ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मनकेरा का किला तारीखी हवाले से नहायत अहमियत का हामिल है, जो शेर शाह सूरी के दौर में तामीर होने वाले जंग बकर रोड के जानिब जनूब वाक़िया है। तारीख रियासत के आखिरी फरमारवा बादशाह नवाब सरबुलंद खान सदजोई ने सन 1894 हिजरी में किला की तामीर शुरू की, जिसको मुकम्मल होते हुए 12 साल का तवील अरसा लगा। तारीखी किला तकरीबन 50 एकड़ से ज्यादा रकबा पर मोहित है, जिसके बड़े चार दरवाजे हैं। किला की दीवारों की बुलंदी तकरीबन 50 फीट और चौड़ाई तकरीबन 40 फीट है। किला की तामीर से कबल किला के चारों तरफ पानी के कुएं चलते थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ अब खत्म हो चुके हैं। सन 712 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम के जर्नल अबुल मसूद ने मनकेरा और बकर को फतह करके आमिर बिन अकबा को यहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जिसने बाद में भी इस किला की तामीर का काम करवाया। 300 साल तक जिस्कानी बलोच और दीगर कबीलों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम रखी। इन्होंने इस किला के अंदर एक छोटा और किला भी तामीर करवाया, जो तकरीबन 5 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस छोटे किले में सूफी बुजुर्ग दरबार बाबा नूर कलंदर का मज़ार कायम है। इस दरबार बाबा नूर कलंदर पर गुज़श्ता कई सदियों से दूर दराज से लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। मज़ार के करीब एक हिंदुओं का तामीर किया गया कुआं भी था, जो पानी से भरा रहता था, जिसका पानी कई बीमारियों के लिए मुफीद था। दूर दराज से लोग इस कुएं से पानी लेने आते थे। बाद में मुकामी लोगों ने इस कुएं में खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी, तो अहले इलाका ने इस कुआं को मिट्टी डालकर बंद कर दिया था। किला के तामीर की तामीर मुकम्मल हुई तो सल्तनत के आखिरी फरमारवा नवाब सरबुलंद खान सदजोई ने किला के दाएं जानिब एक तारीखी मस्जिद भी तामीर करवाई, जो नवाब सरबुलंद खान के नाम से मंसूब थी। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो कुछ अरसा बाद सल्तनत के आखिरी फरमारवा नवाब सरबुलंद खान सदजोई दुनिया फानी से कूच कर गए। इनके वफात के बाद इनका भांजा जानशीन मुकर्रर हुआ। सन 1821 हिजरी में रजीत सिंह ने मनकेरा पर हमला कर दिया और गोले बरसाए, जिससे किला के साथ तामीर की गई तारीखी मस्जिद नवाब सरबुलंद खान का मीनार भी गिरा दिया गया और तारीखी मस्जिद के साथ ही एक मंदिर तामीर कर दिया। आपके जानशीन ने किला के अंदर आखिरी फरमारवा नवाब सरबुलंद खान सदजोई का मकबरा तामीर किया। कयामे पाकिस्तान से कबल किला में हिंदू सिख आबाद थे, जो कयामे पाकिस्तान के बाद हिजरत करके इंडिया चले गए और महाजरीन इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए और इस तारीखी किला में आबाद हो गए। इस तारीखी किला के अंदर दो तालीमी अदारे भी कायम हैं। दूर दराज से लोग इस तारीखी किला को देखने के लिए बड़े शौक से मनकेरा का रुख करते हैं। आसारे कदीमा के अफसरान और हुक्मरानों और मकामी अफसरान के दम तोजी के बाइस तारीखी किला रोज बरोज अपनी पहचान और अफादियत खो रहा है। लैंड माफिया तारीखी किला मसमार करके कब्जा करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से मनकेरा का तारीखी वर्षा तबाही के दुहाने पर पहुंच चुका है। अगर आसारे कदीमा और हुक्मरान इस तारीखी किला पर जरा भी तवज्जो दें और इसकी देखभाल के लिए एहतमाम करें, तो मनकेरा का यह तारीखी किला कायम रह सकता है, वरना चंद सालों में ये अपनी पहचान खो बैठेगा।